दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि सिनेमा की दुनिया में लोग रिकॉर्ड्स के पीछे भागते हैं, बने बनाए रिकॉर्ड्स तोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक व्यक्ति हमारे सिनेमा में ऐसा भी है जो रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए नहीं रिकॉर्ड्स बनाने के लिए फिल्म निकालता है। हम बात कर रहे हैं SS राजामौली सर की, जिन्होंने पहले बाहुबली और अब RRR बनाकर न सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि हॉलीवुड को भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, RRR मूवी न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व में पहले दिन की सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली मूवी बन गई है। इस मूवी को 450 करोड़ रुपए की बजट में बनाया गया था और इसने अभी तक 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और ओपनिंग डे पर इस मूवी ने 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड, जो आज तक ना किसी बॉलीवुड और ना ही किसी हॉलीवुड मूवी ने किया था। और इसी कारण आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के वन एंड ओनली बेस्ट डायरेक्टर SS राजामौली की लाइफस्टाइल वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको राजामौली सर के जीवन से जुड़े कुछ स्ट्रगल्स के बारे में बताएंगे कि कैसे वे एक छोटे से चौल से निकलकर आज 1200 करोड़ रुपए के शानदार घर में रहते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी RRR मूवी या फिर SS राजामौली सर के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों SS राजामौली बेसिकली एक तेलुगु डायरेक्टर हैं। इनका फुल नेम है श्री सायला श्री राजामौली। इनका जन्म 10 अक्टूबर साल 1973 को साउथ इंडिया में हुआ। दोस्तों SS राजामौली के पिता एक जाने माने राइटर हैं जिनका नाम है विजेंद्र प्रसाद, और राजामौली के कैरियर को 4 चांद लगाने वाले इनके पिता ही हैं, क्योंकि आज तक इन्होंने जितनी भी सुपरहिट मूवीज डायरेक्ट की है वो सभी इनके पिता की लिखी हुई है। इनके पिता की लिखी हुई और राजामौली द्वारा डायरेक्ट की हुई सुपरहिट मूवीज के नाम हैं मगधीरा, बाहुबली, बजरंगी भाईजान और मणिकर्णिका। SS राजामौली ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट होते ही फिल्मों को डायरेक्ट करने का मन बना लिया था और इनका सपना था कि वे अपने पिता की लिखी हुई सभी मूवीज को डायरेक्ट करें, और आज वे इस सपने को जी रहे हैं। राजामौली सर पेशे से एक राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके कैरियर के बारे में। इन्होंने अपने डायरेक्टिंग कैरियर की शुरुआत तेलुगु सीरियल्स को डायरेक्ट करके करी और इन्होंने शांति निवासा नाम का एक टीवी सीरियल डायरेक्ट किया जो कि इनका डेब्यू था डायरेक्टिंग की दुनिया में। बतौर फिल्म डायरेक्टर इन्होंने डेब्यू किया स्टूडेंट नंबर 1 मूवी से। इस फिल्म के हीरो थे जूनियर NTR। ये जूनियर NTR की दूसरी फिल्म थी और राजामौली सर की डेब्यू फिल्म थी, और ये फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। और दोस्तों सिनेमा की दुनिया में अगर किसी की डेब्यू मूवी ही फ्लॉप हो जाए तो उसके लिए कमबैक करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन राजामौली ने कमबैक किया और साबित किया कि वे एक लंबी रेस का घोड़ा हैं जो इतना आगे जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं। और 2 सालों के गैप के बाद इन्होंने सिमाद्री मूवी से अपनी वापसी करी। फिल्म की कहानी इनके पिता ने लिखी थी और इस बार भी फिल्म के हीरो थे जूनियर NTR। फिल्म को 8 करोड़ रुपए की बजट में बनाया गया था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए की कलेक्शन की थी और ये उस साल यानी कि 2003 की हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवीज में से एक बन गई थी, और ये इनके डायरेक्टिंग कैरियर का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई। इस मूवी के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद साल 2005 में इनकी मूवी छतपति रिलीज हुई जिसमें लीड रोल में थे एक्टर प्रभास। 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस मूवी ने 24 करोड़ रुपए की कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके बाद साल 2006 में इनकी फिल्म विक्रमाडू रिलीज हुई। ये वही फिल्म है जिसको रीमेक करके राउडी राठौड़ बनाई गई थी। 10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 24 करोड़ रुपए की कमाई करी थी और फिल्म के हीरो थे रवि तेजा। इसके बाद इनको इनके कैरियर का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू साल 2009 में मिला फिल्म मगधीरा से। 35 करोड़ के बजट में बनाई गई इस मूवी ने 150 करोड़ रुपए की कमाई करी थी, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उस समय कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था वो राजामौली ने साबित कर दिखाया था। ये फिल्म 1000 दिनों तक थिएटर्स में लगी रही थी। इस फिल्म के लिए इन्हें नंदी और फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। सन 2010 में इनकी फिल्म मर्यादा रामना रिलीज हुई और ये वही फिल्म है जिसको रीमेक करके सन ऑफ सरदार बनाई गई थी। इस फिल्म के बाद राजामौली सर एक बड़े प्रोजेक्ट में लग गए। फिल्म को तेलुगु के साथ साथ तमिल में बनाया जा रहा था और इस फिल्म को हिंदी में डब करने की प्लानिंग चल रही थी। 2 सालों के संघर्ष के बाद ये फिल्म बनकर तैयार हुई। फिल्म का नाम था ईगा यानी कि मक्खी। फिल्म को बनाने में 25 से 40 करोड़ रुपए की लागत आई थी और इस फिल्म ने ऑल इंडिया 130 करोड़ रुपए की कमाई करी। इस फिल्म में VFX का जिस तरह से काम लिया गया वो तारीफ के काबिल था। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, साथ ही साथ इसकी गिनती उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में होने लगी। मक्खी के बाद राजामौली सर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बाहुबली पर जुट गए। इस फिल्म को ये 2 पार्ट में बना रहे थे।
और इस फिल्म के लिए अपने कैरियर के 5 साल इन्होंने झोंक दिए। 10 जुलाई 2015 को बाहुबली द बिगनिंग फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया। इस फिल्म के लिए जितना कहें उतना कम है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इस फिल्म ने पूरी तरह से बदल दिया। 180 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 650 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। साथ ही साथ इस फिल्म को नेशनल अवार्ड, नंदी अवार्ड और फिल्म फेयर जैसे ढेरों अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म ने साउथ फिल्मों के प्रति लोगों का नजरिया बदला और साथ ही साथ दिखा दिया कि रीजनल फिल्मों में कितना पोटेंशियल है। 2017 में इस फिल्म का सीक्वल बाहुबली द कॉन्क्लूजन रिलीज हुआ और ये फिल्म तो और भी आगे निकल गई। 250 करोड़ के बजट में बनाई गई इस फिल्म ने 1800 करोड़ रुपए का कलेक्शन करा और ये मूवी इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बन गई। लेकिन अब इस मूवी को टक्कर देने एसएस राजामौली की फिल्म RRR रिलीज हो चुकी है, जिसको 450 करोड़ रुपए की बजट में बनाया गया है और फिल्म ने अपने पहले ही दिन 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जो आज तक ना किसी बॉलीवुड और ना ही किसी हॉलीवुड मूवी ने किया है। कई लोगों द्वारा ये कयास लगाया जा रहा है कि ये मूवी 5000 करोड़ रुपए की कलेक्शन करेगी, लेकिन दोस्तों कई लोगों का कहना है कि बाहुबली RRR से ज्यादा अच्छी मूवी थी। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अल्लू अर्जुन के अवार्ड्स के बारे में। एसएस राजामौली को कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, जिनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं इनके परिवार से। एसएस राजामौली के पिता का नाम है विजेंद्र प्रसाद। एसएस राजामौली की माँ का नाम है राजा नंदिनी। एसएस राजामौली के भाई का नाम है एसएस कांची। एसएस राजामौली की पत्नी का नाम है रामा राजामौली। एसएस राजामौली के बेटे का नाम है एसएस कार्तिके। एसएस राजामौली की बेटी का नाम है एसएस मयूखा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके इनकम के बारे में। दोस्तों एसएस राजामौली किसी भी मूवी को डायरेक्ट करने के 25 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन इन्होंने बाहुबली को डायरेक्ट करने के 1000 करोड़ रुपए चार्ज किए थे और RRR मूवी को डायरेक्ट करने के लिए इन्होंने 80 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इसके अलावा वे आज भारत के सबसे रिचेस्ट डायरेक्टर हैं और इन्होंने कई बिजनेसेस में अपने पैसे भी इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके नेटवर्थ के बारे में। 2022 के अनुसार इनके नेटवर्थ हो चुकी है 1800 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों आपको इनका घर दिखाते हैं। एसएस राजामौली का हैदराबाद में एक शानदार घर है जो इन्होंने हाल ही में खरीदा है, जिसकी कीमत है 350 करोड़ रुपए। इस घर की सबसे खास बात यह है कि इसमें राजामौली सर ने एक VFX रूम बना रखा है, जिस पर इन्होंने 25 करोड़ रुपए का खर्चा किया है और यहीं पर बाहुबली और RRR मूवी के VFX डिजाइन किए गए थे। इसके अलावा इस घर में एक पार्किंग एरिया और एक बड़ा सा गार्डन है, जहां पर इनके पेट डॉग्स और हॉर्सेस हैं और आप अपनी स्क्रीन पर इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी कार्स कलेक्शन के बारे में। राजामौली सर की कंप्लीट कार्स कलेक्शन की प्राइस 10 करोड़ से भी ऊपर है। इनकी सबसे पहली कार है BMW की 7 सीरीज, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनके पास एक रेंज रोवर स्पोर्ट भी है, जिसकी कीमत है 95 लाख रुपए और ये कार इन्होंने बाहुबली की सक्सेस के बाद खरीदी थी। राजामौली सर के पास एक BMW की 3 सीरीज भी है, जिसकी कीमत है 30 लाख रुपए। तो दोस्तों ये थी भारत के सबसे सुपरहिट डायरेक्टर की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप इनके फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पर देखना चाहते हैं आप।